एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक 10 इयर्स बेबी गर्ल के लिए एक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। यहां पे मैंने नेट फैब्रिक ली है जिस पे सीक्वेंस वर्क किया हुआ है और ये मैंने लाइनिंग के लिए टफेटा यूज किया है। ये मेरे पास टुकड़े में था, आप अगर सेम बनाएंगे तो आपको हाफ मीटर के करीब में दोनों कपड़ा लगेगा। यहाँ पे मैं इसको डबल करके 11 इंचेस लंबाई में और 10 इंचेस चौड़ाई में कट कर लूँगी मार्क करके। इससे हमें आगे की कटिंग बताने में बहुत ही सुविधा होगी, इस वजह से मैं इसको अलग करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 11 इंच लंबाई में लिया है, अभी इसको कट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे यहाँ 5.5 इंचेस पे हम लोग शोल्डर को मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए 4.5 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे एक राउंड सा शेप देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक की लंबाई होगी वो 3 इंचेस होगी। यहाँ पे हम लोग बोट नेक बनाएंगे तो सामने और बैक का नेक हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैं 2 डार्ट लगाऊंगी जो कि 4 इंच की गैपिंग पे होगा और यहाँ पे 5 इंच लंबाई पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और ये हमारा चारों साइड में होगा, फ्रंट में भी और बैक में भी। और यहाँ पे चेस्ट मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और जो वेस्ट है वहाँ पे मैंने 5.5 इंचेस लिया है वेस्ट। और यहाँ पे सिलाई में जाएगा और इस तरीके से हम लोग दोनों मार्क को मिला लेंगे इस तरीके से और इसको हम लोग कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, आप भी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं ताकि कोई भी लूज टाइट की प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बाद में ठीक कर पाए। और यहाँ पे मैंने शोल्डर को डाउन नहीं किया था तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करके इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो वेस्ट में हमारा जो आप देख सकते हैं साइड में मैंने इसका मेजरमेंट दिया हुआ है तो मैंने वेस्ट में इसीलिए 5.5 इंचेस लिया है क्योंकि हमारा 2 इंच चला जाएगा सिलाई में जो हम लोगों ने 2 डार्ट लगाई है उसमें। और चेस्ट मैंने 24 इंचेस लिया है जो आपने देखा होगा। और यहाँ पे हम लोग मेन फैब्रिक को भी उस तरीके से रख के कट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है उसमें। और यहाँ पे हम लोग जो सिलाई लगाएंगे वो इस तरीके से लगेगी, हाफ इंच नीचे की तरफ से ऊपर जाते हुए। और यहाँ पे हम लोग स्लीव्स को अब कट करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये मैंने कपड़े को डबल करके हमारा दोनों स्लीव्स को निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने 6 इंच चौड़ा लिया है और लंबाई में मैंने 14 इंच ली है। ये रेडी होकर के जो स्लीव्स है वो 9 इंचेस आएगी। नीचे से मैंने 6 इंच लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे जो हमारे स्लीव्स में होगा। इस तरीके से दोनों मार्क को पहले मिला लीजिए और उसके बाद में मिडल में हम लोग एक मार्क कर लेंगे जो इस तरीके से होगा। और इसके बाद इसको एक एस टाइप में शेप दे देना है। और यहाँ पे जो हमारी मोड़ी है वो 3.5 इंचेस होगी और उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करके कपड़ा ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके मैंने कट कर लिया, इसको भी अलग कर लेंगे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेंगे जो मिडल पार्ट होगा वहाँ पे। और आपके स्लीव्स की लंबाई जो भी होगी उसमें हम लोग 6 से 8 इंच ऐड करने से ये वाला डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ से भी 3 इंच पे मार्क करके यहाँ पे इसको कट कर लिया है। तो अभी देखिए इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन को बनाएंगे। जहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया था वहाँ से हम लोग 3 प्लीट लगाएंगे, जो हमारा मिडल वाला जो कट लगाया था वहाँ तक। तो इस तरीके से 3 प्लीट बना करके आपको रेडी करनी है एक तरफ, और सेम इस तरीके से दूसरी तरफ भी प्लीट लगाएंगे। प्लीट हमारा अंदर की तरफ होगा इस तरीके से, तभी ये डिज़ाइन बनेगा। और इसके ऊपर पहले हम लोग सिलाई लगा लेंगे ताकि ये प्लीट इधर उधर नहीं जाए। और उसके बाद में नीचे भी हम लोग फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच फोल्ड जैसे हम लोग करते हैं स्लीव्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने डार्ट लगा के मैंने इसको कट कर लेती हूँ पीछे के साइड जो हमारा है उसको। और इसमें हम लोग पट्टी ज्वाइन करेंगे जिसमें एक साइड में हुक लगेगा, उस तरफ घर बनेगा उसका। तो इस तरीके से एक पट्टी हम लोग ऊपर की तरफ से अटैच करेंगे और दूसरा जो पट्टी होगा वो नीचे की तरफ से अटैच करेंगे जैसे ब्लाउज में होता है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे चाप सिलाई, और उसके बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ा कम होने से चलेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग नीचे की तरफ इस तरीके से देखिए मैंने मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग था उसको रख लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये वाली पट्टी जो ये बाहर की तरफ निकली हुई रहेगी, तो देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर हम लोग फिर से 1 सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे हम लोग हुक और आई बुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम लोग दोनों जो हमारा शोल्डर है उसको अटैच कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग एक जो पट्टी है हमारी जो नेक पे होगी पूरे नेक पे उसको हम लोग अटैच करेंगे
और देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैंने तिरछा तिरछा करके काटा हुआ है ताकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाए, और हाफ इंच बाहर निकालते हुए इसको इस तरीके से सिल लेंगे, और उसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद में इसको हेमिंग कर लेंगे। तो ये फिनिशिंग आ जाएगी ब्लाउज की। और यहाँ पे हम लोग अभी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी हम लोग यहाँ पे स्लीव्स जो हम लोगों ने रेडी की हुई है वो इस तरीके से बन करके आई है। देखिए ये इस तरीके से मैंने सिल लिया है, नीचे के साइड भी और ऊपर के साइड भी सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। और इसको हम लोग हाफ हाफ करके अटैच करेंगे, हाफ इस साइड और उसके बाद सिलाई लगाएंगे हाफ दूसरे साइड में, ताकि अच्छे से अटैच्ड हो जाए। और जो जो हमारा सिलाई वाला चीज़ है जो दिखता रहता है, तो उसको अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ से करके उसके ऊपर एक चाप सिलाई लगा सकते हैं, ये पूरी तरीके से अंदर चल जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी इसकी। तो इसके बाद में हम लोग नीचे वाले साइड को फोल्ड करेंगे हाफ इंच, और उसके बाद फिर से एक इंच करते हुए इसको हम लोग हेमिंग कर लेंगे, जो दिखेगा नहीं सिलाई। तो ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, और देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड को रेडी कर लेना है, और उसके बाद में हमें इसका जो हमारा जो फिटिंग वाला एरिया है उसको हम लोग करते हुए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था उसको हम लोग सिल लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक हम लोग एक बार मेज़र करके इंची टेप से हम लोग इसको सिल के रेडी कर लेंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो से जुड़ा अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।